अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। भगवान ने हवा, पानी, खदाने, जंगल, अलग अलग तरह की चीजें सबके लिए बनाई। सबके पास तो नहीं, जिसके पास है वो उससे धन कमाते हैं। तो उनका हक देने के लिए गरीबों की कल्याण योजना चला रहे हैं। ये सही अर्थों में सामाजिक न्याय है। भरपेट भोजन देवास के 3 स्थानों पर करवाया जाता है। मात्र 10 रुपये में करवाया जाता था, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां सामने बनती है उस हिसाब से शासन निर्णय लेता है। और अब आप सबको बताते हुए हर्ष चाहता हूँ, सभी लाभार्थियों को जिनको ये पट्टों का लाभ मिला, इन पट्टों की खास बात यह है कि ये स्थायी पट्टे हैं और इस पर आप सभी को लोन भी मिल पाएगा धरती पर। तो उस पर कुछ धरती का हिस्सा तो उसका भी होना चाहिए जिसमें वो उसका एक सपनों का घर बना सके। तो ये सपनों का दीनदयाल रसोई जो तीसरा चरण था, आज उसका भी शुभारंभ हुआ है। अभी तक 10 रुपये ताज़ा भोजन खाने के लिए 10 रुपये लगता था, जो हमारे देवास में भी 3 दीनदयाल रसोई चल रही है। एक साई बाबा मंदिर के सामने है, एक सपना है ये पूरा करने का यदि श्रेय जाता है तो ये शिवराज जी को जाता है, नरेंद्र मोदी जी की भावनात्मक सरकार को जाता है। मैं सिंधु लाल जी पिता भागीरथ जी से चाहूंगा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री। माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर के सानिध्य में आप मान कर सकते हैं कार्यक्रम में। वो है माई हेलो का सबसे पहले तो यहाँ पर स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हम लोग अभी देखने वाले हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को पट्टा धरती के बारे में बता दे रही हूँ, जिसके विषय में हम लोग यहाँ पर आए हैं, जो कि स्थाई पट्टे के लिए एक कार्यक्रम है। इसमें मूल रूप से नगरीय क्षेत्र के लिए ये एक सर्वे दल बनाया गया था। पहले जो पट्टा धरती अधिनियम था उसमें 31 दिसंबर 2014 तक के आवासों को लिया गया था और अब इसकी अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई। इसमें क्षेत्रफल डिसाइड किया गया है कि नगर निगम क्षेत्र में 450 स्क्वायर फीट का अगर किसी का मकान बना हुआ है, उसमें भी कुछ कंडीशंस दी हुई थी हमें, जैसे अगर कोई ज़मीन किसी विभाग को अंतरित की जा चुकी है या कुछ कोई योजना में प्रस्तावित है, उन जगहों को छोड़कर जो आबादी क्षेत्र में मकान बने हुए हैं, साथ ही जिसका अन्य कहीं कोई भी मकान नहीं बना हुआ है या अन्य कहीं भी कोई ज़मीन नहीं है, उन लोगों के पट्टे के सर्वे के लिए हमारे द्वारा एक दल बनाया गया जिसमें नगर निगम की टीम और हमारी राजस्व की टीम रही और उनके सर्वे के पश्चात हम लोगों ने पट्टों की सूची बनाई है। उनमें से कुछ पट्टे आज सांकेतिक रूप से हमारे माननीय अतिथि महोदय के द्वारा स्टेज पर वितरण किए जाएंगे। शेष सभी पट्टों के लिए जिन लोगों का सूची में नाम है उनको कुछ दस भैया आपको कैसा लग रहा है? भैया आपको कैसा लग रहा है पट्टा मिल गया? महसूस क्या कर रहे हो? माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ मैं आपको, हार्दिक हार्दिक बहुत खुशी हो रही है मेरे को आज पट्टा मिली है। बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे तरफ से बहुत बधाई और धन्यवाद, और उन्होंने हमको पट्टा दिया, ये हमारा सपना था और आज हमको ये पूरा हो गया। दादा कैसा क्या लग रहा है आपको पट्टा लेने पे? बहुत कितने साल में आपको पट्टा मिला? ये पट्टा मिला हमें कितने साल में मिला है? ये मिला कम से कम 25 साल बाद। हाँ, इसको धन्यवाद दोगे? आपको शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो पट्टा मिला कहाँ पर रहते हैं आप? नाले के पास। क्या नाम है आपका? सिद्धूलाल पिता भागीरथ। Thank you.
देवास शहर में कितने पट्टे वितरित किए गए, कौन कौन सी योजनाओं का आज आरंभ हुआ? आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे मध्य प्रदेश में जो पात्र लोग थे उनके सर्वे के पश्चात पट्टा वितरण का कार्यक्रम उन्होंने सिंगल क्लिक से शुरू किया है, जिसका शुभारंभ आज हमने देवास में भी आदरणीय हमारी देवास के लोकप्रिय विधायक राजमाता साहब के नेतृत्व में शुभारंभ किया है। देवास में भी करीब 600 लोग चिन्हित हुए हैं जिनको हमें पट्टे देना है, लेकिन हमारी जानकारी में आया कि कुछ लोग अभी भी उस श्रेणी में आते हैं, पात्रता की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनके नाम चयन नहीं हो पाए हैं। तो हमने अधिकारियों को बोला है कि जो पात्र हितग्राही हैं और जो पट्टे की पात्रता में आते हैं उनका एक सर्वे फिर से शुरू करें, और छूटे हुए जो लोग हैं उनको भी हम आने वाले समय में सेकंड स्लैब में पट्टे का वितरण करेंगे। तो आज पट्टा वितरण का शुभारंभ था, 3 लोगों को हमने प्रतीकात्मक स्वरूप यहाँ पर पट्टे दिए हैं, और हम विधायक जी के नेतृत्व में जिस वार्ड के पट्टे बने हैं उस वार्ड के अंदर जाकर वहाँ के नागरिक बंधुओं को माननीय विधायक जी के हाथों पट्टा वितरण का कार्यक्रम करवाएंगे। इसके साथ साथ ही एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल रसोई योजना जो हमारी पहले से चल रही है, अभी 10 रुपये में वहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को भोजन मिलता है, आज मुख्यमंत्री जी ने उस योजना को आगे बढ़ाते हुए अब मात्र 5 रुपये में गुणवत्तापूर्ण और भरपेट भोजन मिलेगा, उसका भी शुभारंभ हुआ है। और इसके साथ ही हम देवासवासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल की कैबिनेट में देवासवासी नहीं पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी नगरीय निकाय हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, उन सबको एक सौगात दी है। सरकार ने भी कायाकल्प योजना शुरू करी है जिसमें हमको पहले 7 करोड़, सेकंड फेज में 3 करोड़ 10 करोड़ रुपये मिले थे, हमने 15 करोड़ के प्रस्ताव नगर निगम के माध्यम से शासन को भिजवाए थे, और उन प्रस्तावों पर कल की कैबिनेट में मोहर लग गई और आज CM साहब ने घोषणा भी कर दी है। तो हमको देवासवासियों को 15 करोड़ रुपये देवास की सड़कों के कायाकल्प के लिए और मिलने वाले हैं। ये ऐसी कई सारी सौगात आज मुख्यमंत्री जी ने दी है, मैं देवास के नागरिक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आयोजन यहाँ पर हुआ है और किन लोगों को हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए गए? आज यहाँ बल्लारस्पति मंदिर में नगर निगम के द्वारा और राजस्व विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री जी ने आज भोपाल से सिंगल क्लिक के माध्यम से पूरे प्रदेश में दीनदयाल रसोई का शुभारंभ करा, और यहाँ पे पट्टा वितरण का कार्यक्रम जो था उसमें देवास के 600 करीब लाभार्थी हैं जिनको पट्टों का लाभ मिलेगा। अब उन लाभार्थियों का सपना साकार हो पाएगा कि वो अपना खुद का प्लॉट, पट्टा मीन्स जो स्थायी पट्टे हैं ये, उनके प्लॉट मिलेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी घोषणा करी कि उन पट्टों पर उनको ऋण सुविधा भी मिल पाएगी। तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर हमने प्रतीकात्मक रूप से कोई 5 लोगों को पट्टे वितरित किए हैं, बाकी अन्य भी जो इन लोगों के आवेदन आना है उनके लिए भी एक अलग से स्टॉल लगा दी है जिस पर वो आवेदन प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी खुशी की बात आज ये है देवासवासियों के लिए भी कि मुख्यमंत्री जी ने जो कायाकल्प में 1200 करोड़ के पूरे प्रदेश के जो शहरी क्षेत्र हैं उनकी सड़कों के कायाकल्प के लिए स्वीकृत किए हैं, हमारे देवास से भी 15 करोड़ रुपये का प्रस्ताव गया था वो भी स्वीकृत हो गया है, तो 10 करोड़ रुपये हम लोग पहले कायाकल्प में सीमेंट कॉन्क्रीट और डामरीकरण के देवास के काम चल रहे हैं, और अभी 15 करोड़ रुपये और सेंक्शन हो जाएंगे तो हमारा देवास वापस विकास की उसी रफ्तार पर दौड़ेगा। भैया जो पट्टे अभी बचे हैं वो उनमें वार्डों में भी जाकर बंटवाने का कुछ ऐसी चर्चा? हाँ, ये जैसे हमने यहाँ पे प्रतीकात्मक आज पट्टा वितरण करा है और राजमाता साहब के विधायक जी के नेतृत्व में अब हम वार्ड जाकर जो लाभार्थी हैं उनको पट्टों का वितरण करेंगे, और उसी कार्यक्रम के चलते हमको अगर और आवेदन भी मिलते हैं तो हम उसको भी स्वीकार करेंगे।